और वहीं उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी पर उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने हल्ला बोला है। अजय भट्ट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में लोकायुक्त की नियुक्ति असंभव लग रही है। अजय भट्ट ने हरीश रावत सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। ये सरकार की गलत नीति और भ्रष्टाचार को सीधे सीधे पनपाने की नीति का हिस्सा है। ये पहला राज्य होगा जहां के लोकायुक्त को हटने के बाद बिल्कुल एक किस्म से लावारिस छोड़ दिया गया, कुर्सी खाली छोड़ दी गई। 2 साल से भी अधिक का समय लोकायुक्त के एक सदस्य, अभी तो ये सेलेक्ट कमेटी के सदस्य को चुना है, अब इसके बाद सर्च कमेटी आगे आएगी। इस तरह से सरकार बार बार लटका रही है। और पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में अर्धकुंभ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेला अधिकारी के मुताबिक पुलिस 24 घंटे यहां पर नजर रखेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पठानकोट के बाद कई बार हम लोगों की मीटिंग हुई है। हम लोगों ने अपने अफसर्स के साथ मीटिंग करके स्ट्रेटजी तैयार की है और हमने कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि 24 घंटे हमारी पुलिस व्यवस्था रहे, वो चाहे हमारे सिविल पुलिस हो, जो हमारे सहयोग के लिए पैरामिलिट्री हो, और जो हमारी लगातार चेकिंग हमारे बीडी स्क्वाड, डॉग स्क्वाड करें, और हमारी एटीएस लगातार जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उसको देखते रहें, और सरप्राइज चेकिंग, सरप्राइज विजिट, ये सब हम लोग लगातार कर रहे हैं। 24 आवर्स हमारी प्रेजेंस रहेगी। हरिद्वार का कुंभ बहुत पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। हम प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। हमने फुल प्रूफ प्रबंध किए हैं और उनको हम और पुख्ता करने जा रहे हैं। बिल्कुल सच्ची। इस अर्धकुंभ में कितने लोगों की, आप श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद करते हैं? मैं समझता हूँ ये 7-8 करोड़ को पार करेगा। और कुंभ मेले में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं बता रहे हैं इंडिया 24/7 रिपोर्टर नरेश गुप्ता। पठानकोट में हुई आतंकी वारदात के बाद हरिद्वार अर्धकुंभ की सुरक्षा की पुनः समीक्षा की गई है। मेले अधिष्ठान से जुड़े अधिकारियों की बात माने और पुलिस के डीआईजी की बात माने तो पूरे मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 70 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और 70 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड हो या सीआईएसएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्स, सभी विंगों को मेला क्षेत्र में उतारा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं इस समय हरिद्वार के सबसे प्रमुख स्थल हर की पैड़ी पर हूँ। यहीं पर सबसे ज्यादा स्नानार्थियों का दबाव रहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ही सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। बाकी सुरक्षाकर्मी जो बातें कही जा रही हैं वो नदारद हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके की सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए गए हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को गनों के साथ यहाँ तैनात किया गया है, लेकिन सिविल पुलिस के बहुत अधिक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात नहीं है। नरेश गुप्ता, इंडिया 24/7, हरिद्वार। और अब आपको दिखाते हैं ऐसा गांव जहां सड़क निर्माण के दौरान नहर टूटने से खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि इस गांव से बड़ी आबादी यहां से पलायन कर चुकी है। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने ग्रामीणों की समस्या दूर करने का भरोसा दिया है। ये तस्वीरें हैं जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के आरा सल्फट गांव की, जहां कभी हरे भरे खेत लहलहाते नजर आते थे और बड़ी तादाद में यहां फलों और सब्जियों का उत्पादन हुआ करता था, जिससे गांव में खुशहाली छाई रहती थी। लेकिन अब ये गांव बदरंग नजर आने लगा है। दरअसल सिंचाई के अभाव के चलते यहां खेत सूखने लगे हैं, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि खेती बाड़ी छोड़ अब कई परिवार यहां से पलायन करने लगे हैं। 8 साल से मतलब ये है कि मतलब ये जो सिंचाई नहर है बंद है, लोगों के मतलब जो जो जमीन में काश्तकारी होती थी सब कुछ अब चौपट पड़ गया है। मतलब सर, जब से रोड आई 2006 से हमारा ये नहर पूरी तहस नहस हो गई है, तब से हमारे यहाँ ये खाना पीना गुजारा होना मुश्किल हो गया। पहले हम लोग कंट्रोल में नहीं जानते थे, अब हमको ये नहर टूटने के कारण कंट्रोल में जाना पड़ा है, कर्ज में डूबे हैं, भुखमरी के कदार पर है सर हम। दरअसल कुछ साल पहले नहर के जरिए यहाँ खेतों में सिंचाई की जाती थी और ये नहर सिंचाई का एकमात्र साधन हुआ करती थी,
लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जागेश्वर विधानसभा के दनिया क्षेत्र से आरा सल्फर तक सड़क निर्माण के दौरान ये नहर क्षतिग्रस्त हो गई और कई साल बीत जाने के बावजूद अब तक ये नहर दुरुस्त नहीं हो पाई। नतीजन सिंचाई के और विकल्प न होने के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने नहर के दुरुस्त होने का भरोसा दिया है। 55 लाख रुपया स्वीकृत करा करके विभाग को दे दिया है और मैंने ये कहा है कि 8 जनवरी को मैं यहाँ पर एक हमारा बहुउद्देशीय जनता दरबार लग रहा है, उसमें मैं आऊँगा। उस दिन तक मैंने कहा है विभाग से कि इसमें पानी चलाएं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पहले भी कई बार आश्वासन मिले हैं जिसका नतीजा सिफर ही रहा। उम्मीद की जाती है कि सिंचाई की ये समस्या जल्द दूर होगी और फिर से इनका इलाका हरा भरा नजर आएगा। अल्मोड़ा से देवेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। नैनीताल और इसके आसपास के इलाके में ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई देने लगा है। इस बार इस पूरे इलाके में बर्फबारी नहीं होने से फल उत्पादक बेहद चिंतित हैं, परेशान हैं। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसा हो रहा है। नैनीताल और इसके आसपास का पूरा इलाका बेहद सुंदर है, बल्कि ये कहा जाए कि कुदरत ने इस इलाके पर जो नेमत बरपी है वो दूसरी कहीं देखने को नहीं मिलती। यहाँ एक नहीं आधा दर्जन से ज्यादा सरोवर हैं, जिनमें बोटिंग का आनंद सैलानी लेने पहुँचते हैं और जहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नजारे को देखकर उसे नजदीकी से निहारते हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, यहाँ की प्रकृति बदल रही है, जिसने पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है कि जिस टाइम पे ठंड पड़नी थी उस टाइम पे नहीं पड़ रही, लेकिन समय चेंज हो गया है और टेम्परेचर जो है जो पहले के मुकाबले अभी टेम्परेचर में काफी वृद्धि हुई है, उसके पीछे ग्रीन हाउस गैसेस का मुख्यतः रोल है। कृत्रिम साधन है, उन पे अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमको प्रकृति की तरफ फिर से अपने आप को लाना ही पड़ेगा। जो कृषक है वो फसल बोने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, बारिश समय पे नहीं हो पा रही है, कभी उसकी फसल एकदम काटने के लिए तैयार रहती है, ओले पड़ जाते हैं पर बारिश हो जाती है, उसे नुकसान होता है, तो सोचने की बात है। दरअसल इस साल अब तक नैनीताल और उसके आसपास के इलाके में बर्फबारी देखने को नहीं मिली और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे फल और सब्जी उत्पादक खासे चिंतित हैं। उनके मुताबिक इससे उत्पादन पर असर पड़ेगा। भी जो दूसरे शीतोष्ण फल हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं उन पे भी इसका असर होगा, जैसे आड़ू है, कुमानी है, चेरी है या कईयों ने बादाम लगा रखा है, उनको भी निश्चित रूप से इस गर्मी का असर होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का असर निश्चित रूप से हो सकता है। अगर देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए मेनली वी आर द रिस्पॉन्सिबल, जो भी आपका टेम्परेचर्स बढ़े हैं, तो चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे वो आपका जो है व्हीकल्स जिसको आप बोलें पॉल्यूशन से, ये है, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है उनमें इंक्रीज हो रहा डे बाई डे। असल में इस इलाके में 31 दिसंबर के आसपास बर्फबारी हो जाती है, लेकिन एक सप्ताह बीतने को है इस पूरे इलाके में ठंड का नामो निशान नहीं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि पहाड़ पर बढ़ रहे प्रदूषण ने यहाँ के हालात बिगाड़ दिए हैं, जिसे कम करने की जरूरत है, नहीं तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। रामनगर से खुशहाल रावत, नैनीताल से राजू पांडे और देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और वहीं शिमला में भी ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई देने लगा है। यहां लगातार बढ़ती भीड़ और प्रदूषण के चलते इस बार बर्फबारी नहीं हुई है। इसके अलावा तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे पर्यावरणविदों के साथ साथ सैलानी भी बेहद परेशान है। पहाड़ों पर सर्दी में अगर बर्फबारी नहीं हो तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसी ही तस्वीरें पहाड़ों पर कई जगहों पर दिखाई दे रही हैं, जहां कभी खूब बर्फबारी हुआ करती थी लेकिन अब ठंड भी महसूस नहीं होती है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला भी ऐसी जगहों में शुमार होती जा रही है। यहां इन दिनों बीते सालों के मुकाबले तापमान ज्यादा है। पिछले दिनों में जो तापमान काफी बढ़ गए थे, लेकिन अभी ग्रेजुअली जो है वो डाउन आ रहे हैं, काफी जगह पे जो टेम्परेचर है वो डाउन आ चुके हैं और जो लो हिल एरिया है इसमें जो दिन के तापमान है उसमें वो थोड़े से ज्यादा है, अदरवाइज जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डाउन आ रहे हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शिमला में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते ऐसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे यहाँ अगर बर्फबारी हो भी रही है तो वो भी टिक नहीं पा रही है और पारे में भी सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिससे सैलानियों को वो नज़ारे देखने को नहीं मिल रहे हैं जिसके लिए वो शिमला पहुँचते हैं। आगे पता लग गया भी इतना बड़ी गर्मी है अजे भी मतलब मौसम जड़ा है वो उस तरह का ही है जितना पंजाब है पंजाब भी शायद ज़्यादा ठंड है तो इतने इतनी ठंड नहीं है गर्मी पै रही है। मतलब ये है कि मौसम तो मतलब हमेशा की तरह जैसे हुआ करता था इस बार नहीं है। ये है कि थोड़ी ठंड है जरूर पर ना जो हर साल की तरह इस टाइम थोड़ा मौसम इतना ठंडा हो करता था फॉग पड़ती थी वो फॉग नहीं है वो मौसम के काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। इस साल शिमला की आइस स्केटिंग रिंग भी कई दिनों तक सूना पड़ा रहा। दरअसल यहाँ बर्फबारी तकरीबन 3 हफ्ते की देरी से हुई यानी समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ग्लोबल वार्मिंग का दानव पहाड़ों की खूबसूरती को निगल जाएगा। ऐसे में जरूरत है समय रहते ठोस कदम उठाने की। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24/7 शिमला। उत्तराखंड में तरह तरह के पक्षी पाए जाते हैं लेकिन अब इनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर पक्षियों को बचाना है तो उनके प्राकृतिक आवास पर मानव दखल को कम करना ही होगा। उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ के भूगोल और प्रकृति के मुताबिक ही यहाँ वनस्पतियाँ मिलती हैं और पहाड़ी वातावरण के मुताबिक ही वन्य जीव और पक्षियाँ यहाँ प्रवास करते हैं। लेकिन वनों में बढ़ते मानव दखल के चलते न केवल वन्य जीवों पर बल्कि पक्षियों का जीवन चक्र भी प्रभावित हो रहा है। वहीं पलायन और खेती के बंजर होने से उन पक्षियों की तादाद पर भी असर पड़ रहा है जो घरों के आसपास प्रवास करती हैं। आलम यह है कि पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कई विलुप्ति के कगार पर हैं, जिसने पर्यावरण विदों और पक्षी प्रेमियों को भी चिंता में डाल दिया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। जैसे मैं आपको मानूं तो हर एक चिड़िया के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जब वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप देखो तो वो पूरी तरह से चेंज हो गया। और दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो है पर्याप्त मात्रा में फूड का ना होना। पर्यावरण विदों के मुताबिक हिमालय पर प्रदूषण बढ़ने से यहाँ के इकोसिस्टम पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। वहीं मानव दखल के चलते जीवों के प्राकृतिक आवास भी प्रभावित हो रहे हैं। उनके मुताबिक अगर हिमालय के इकोसिस्टम को बचाना है तो हिमालयन पक्षियों को बचाना होगा। चिड़ियाओं की संख्या लगातार कम हो रही है और कुछ चिड़ियाएं क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट की सिचुएशन में पहुंच गई हैं। अगर आप देखेंगे लगातार कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ चिड़ियाएं गायब हो गई हैं हमारे पहाड़ों से, जो कि एक टाइम में बहुत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दरअसल हिमालय पर पहले कई प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते थे लेकिन अब वो पक्षी भी नजर नहीं आते हैं जो कभी घरों के आसपास रहा करते थे। वहीं जो पक्षी जंगल में प्रवास करते थे वो जंगल में भी नजर नहीं आते। ऐसे में पर्यावरणविदों के साथ साथ पक्षी प्रेमियों का भी चिंतित होना स्वाभाविक है। रामनगर से खुशाल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24/7। उत्तराखंड में लेपर्ड सफारी की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे पर्यटन को नया स्वरूप मिलेगा लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि जब तक लेपर्ड के लिए अलग जंगल की व्यवस्था नहीं होती तब तक इसे साकार करना आसान नहीं होगा। उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी टाइगर प्रोजेक्ट उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। यहाँ बाघों की अच्छी खासी तादाद है जो देश के किसी भी दूसरे अभयारण्य से ज्यादा तो है। यहाँ पर्यटक भी इन्हें करीब से देख पाते हैं, लिहाजा राज्य सरकार प्रदेश में लेपर्ड सफारी कराने का सपना देख रही है। हम लेपर्ड सफारी भी जो है तैयार करने जा रहे हैं। लेपर्ड्स की हमारी विशेषता है, हम चाहते हैं हमारे खूबसूरत लेपर्ड्स को के साथ आप आए और अगली बार हमारे टूरिस्ट उनके साथ फोटोग्राफ करके अपने बच्चों को दिखाएं। हम उसके लिए लेपर्ड सफारी भी जो है अगले साल तक 2017 तक हम तैयार करने जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक लेपर्ड यानी गुलदार के लिए अलग से संरक्षित वन नहीं है और ज्यादातर लेपर्ड गांवों के नजदीक झाड़ियों में प्रवास करते हैं और थोड़े बहुत तराई और पौड़ी के नजदीक जंगलों में दिखाई देते हैं। ऐसे में पर्यावरण विदों का कहना है कि पहाड़ में अगर इस योजना को अमल में लाना है तो गुलदार के लिए अलग प्राकृतिक आवास की व्यवस्था करनी होगी।
तभी इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। लेपर्ड के लिए स्पेशल रिजर्व बनाने पड़ेंगे और कुछ ऐसे जंगल्स हैं जो जहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं या फिर कुछ भी हो, उनको एक सेंचुरी के तौर पे प्रमोट किया जाना चाहिए, जहाँ पे वो लेपर्ड स्पेसिफिक सेंचुरी को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे उनको नेचुरल कंडीशन में रखा जाए और इसी तरीके से सफारी को प्रमोट किया जा सकता। असल में बीते कुछ सालों में कॉर्बेट और राजाजी टाइगर प्रोजेक्ट में बाघों की तादाद बढ़ने से गुलदार इन जंगलों से बाहर निकलने लगे हैं और गांव के नजदीक नजर आने लगे हैं, जिससे मानव गुलदार संघर्ष भी बढ़ा है, जिसको लेकर लंबे वक्त से गुलदार के लिए अलग प्राकृतिक आवास की मांग उठने लगी है। ऐसे में अब जब सरकार लेपर्ड सफारी की तरफ सोच रही है तो उसे कॉर्बेट और राजाजी पार्क से अलग एक नए रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में विचार करना होगा, तभी मानव गुलदार संघर्ष भी रुकेगा और नए पर्यटन का भी विकास होगा। नैनीताल से राजू पांडे और रामनगर से खुशहाल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।